गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स के आपके अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी किया था और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। अब ये देखो, ये जो हमने पिछली बार टॉपिक किया था उसी के रिलेटेड है ना बिल्कुल क्वेश्चन। अब इसमें देखो, यहाँ पे चार्ज कितना दे रखा है, कितने यूनिट का चार्ज आपको मूव करना है, 2 कूलम का चार्ज क्या गिवन है आपको, 2 कूलम। और आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या गिवन है, वी कितना दे रखा है, 12 वोल्ट्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। अभी आपको ये तो पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करो, वोल्ट कितने हैं आपके पास, 12 वोल्ट। वर्क डन आपको निकालना है और चार्ज कितना आपको दे रखा है, 2 कूलम। तो वर्क डन कितना आएगा, 12 × 2 कितना आ गया, 24। और वर्क डन के यूनिट्स क्या होते हैं, जाउल। हो गया, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना ही था, देखो इजी है ना क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम एक टॉपिक स्टडी करेंगे, उस टॉपिक का नाम है सर्किट डायग्राम। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इजी है। देखो अब मैंने आपको, जब हमने फर्स्ट लेक्चर किया था, जब हम करंट के बारे में समझ रहे थे कि करंट क्या होता है, करंट कैसे वर्क करता है, तो मैंने आपको ये बताया था कि करंट कैसे फ्लो करता है क्लोज्ड पाथ में। ठीक है, और उस क्लोज्ड पाथ को हम क्या बोलते हैं, उसका सर्किट। अब देखो एक्चुअल में तो सर्किट कितना कॉम्प्लेक्स होता होगा ना, तुम असली बैटरी लगाओगे, उसके भी तारे जा रही होंगी, है ना। पर अभी इसी तरीके का जो क्लोज्ड पाथ है, अगर तुमने फिजिक्स में अपनी कॉपी में शो करना है अपनी मैम को, अपने टीचर को, या खुद अपनी समझ के लिए अपना सर्किट आपने ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आप क्या बनाओगे, सर्किट डायग्राम बनाओगे। क्या बनाओगे, सर्किट डायग्राम। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम क्या होता है, द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल सर्किट। ठीक है, द हाइपोथेटिकल डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल सर्किट। ठीक है, सर्किट डायग्राम क्या होता है, वो हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, जो नकली, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, पर सिर्फ हमने अपनी समझ के लिए उसको लिया होता है। तो सर्किट डायग्राम क्या है, वो हाइपोथेटिकल डायग्राम जो तुम्हें रियल सर्किट के बारे में सारी नॉलेज दे। ठीक है, अब देखो अगर तुमने सर्किट डायग्राम बनाना है तो तुम्हें उसके अपने सर्किट डायग्राम के अंदर सारे कंपोनेंट शो करने पड़ेंगे ना, जैसे बैटरी लगानी पड़ेगी, बल्ब लगाना पड़ेगा, है ना, अगर की है तो की लगानी पड़ेगी। अब इस तरीके के बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो तुम किसी भी सर्किट के अंदर लगा सकते हो। अब हर एक इक्विपमेंट का क्या होता है, एक सिंबल होता है। ठीक है, अब हर एक सिंबल को हम स्टडी करेंगे कि कौन सी चीज के लिए कौन सा सिंबल लगाया जाता है। ठीक है, मैं वन बाय वन आपको हर एक सिंबल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला सिंबल क्या होता है, सबसे पहला सिंबल होता है सेल का। ठीक है, सबसे पहला सिंबल क्या होता है, सेल। अब देखो सेल क्या है, वो आपके पास डिवाइस जो आपको क्या दे, पोटेंशियल डिफरेंस दे। तो सेल का एक टर्मिनल क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, और एक टर्मिनल हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो सेल को कैसे शो किया जाता है, सेल को इस तरीके शो किया जाता है, एक टर्मिनल इसका होता है पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल इसका क्या होता है, नेगेटिव। बस ये जो बड़ी वाली लाइन है ये क्या शो करती है, पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो छोटी वाली लाइन होती है क्या शो करती है, नेगेटिव टर्मिनल को। ये एक सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है तुम्हारी सेल की। अब दूसरा, अगर तुम्हें बनाना हो बैटरी, अब बैटरी क्या होती है, अब सेल क्या है, छोटा छोटा डिवाइस है जो कम पोटेंशियल डिफरेंस दे सकता है। अगर तुम काफी सारे सेल्स को आपस में जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगी। यानी बैटरी एक्चुअल में क्या होती है, ये होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके,
अब बैटरी को आपने बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, इसमें काफी सारे सेल होंगे ना, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक सेल, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक सेल, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक सेल, ठीक है। इस तरीके से अगर तुम बहुत सारे जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगी, एक बैटरी। पर ये भी हमेशा याद रखना, बैटरी का भी एक साइड क्या होगा, पॉजिटिव, और दूसरा साइड उसका क्या होगा, नेगेटिव। ये एक सिंपल सा सिंपल है किसका, बैटरी का। अगर तुमने सर्किट में सेल बनाना है तो तुम ऐसे बनाओगे, अगर तुम्हें बैटरी बनानी है तो तुम इस तरीके से बनाओगे। अब अगला सिंबल होता है स्विच का या फिर की का। स्विच आप किसको बोलते हो, जो आप बटन लगे होते हैं ना आपके घरों में, पंखा ऑन करने के लिए, लाइट ऑन करने के लिए, जो आपके पास स्विच लगे होते हैं उसी को इन फिजिक्स में की भी बोलते हैं, ठीक है। एक तो होती है ओपन की और एक क्या होती है, क्लोज की। ओपन की का मतलब क्या होता है, जब आपका बटन बंद हो, ठीक है, जब करंट फ्लो ना कर रहा हो, ओपन की। उसको कैसे बनाया जाता है, इस तरीके से आप दो ब्रैकेट बनाओगे और दोनों सारे से क्या निकाल दोगे, एक एक वायर निकाल दो, ये आपकी क्या होगी, ओपन की। इसका मतलब क्या होता है कि करंट पास नहीं कर रहा, करंट नॉट पासिंग, ठीक है। और क्लोज की क्या होता है, जब आपने बटन ऑन किया हो उसको क्या बोलते हैं, क्लोज की। उसको कैसे बनाया जाता है, इसी तरीके से बनाओ, पहले ओपन की बनाओ और बीच में क्या लगा दो, एक बड़ी सी डॉट लगा दो, ये क्या होती है, क्लोज की। इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। ये होगी आपकी अगली रिप्रेजेंटेशन, सॉरी ये नंबर 3 था और ये नंबर आपका 4 था। अब हम नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अगला सिंबल है वायर जॉइंट का। वायर जॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे वायर क्या होती है, तार। जॉइंट का मतलब होता है जोड़ना, मतलब जहां पे आपने तारों को, दो तारों को जोड़ रखा हो, ठीक है, भी दो अलग अलग जगह से मान लो तार आ रही है, अपने दोनों तारों को जोड़ा हुआ है, उसको कैसे शो करना है। एक मान लो ये वायर होगी, दूसरी वायर तुम मान लो ये है, ठीक है। अब इनको क्या दिखाना है कि ये जुड़ी हुई है, तो जुड़ी होती है ना जहां पे, वहां पे तुम ऐसे बड़ा सा डॉट बना दोगे, यानी ये तार डार्क कर दोगे, यहाँ पे तुम एक बड़ी सी डॉट बना दोगे। और एक क्या है, वायर विदाउट जॉइंट, ठीक है। वो क्या होता है कि मान लो वायर्स तो हैं, दो वायर्स तो बन रही हैं, पर वो दोनों आपस में जुड़ी नहीं हुई हैं, बस वैसे ही अपने आप को टच कर रही हैं, ठीक है। वो तुम कैसे बनाओगे, मैं यहाँ बना देती हूँ। जैसे मान लो एक ये तार हो गई, ये दूसरी तार है, अब हमने क्या इसको जोड़ना नहीं है इससे, तो हम क्या कर देंगे, इस तरीके का सिंबल बना देंगे, ठीक है। इसका मतलब एक तार ये है, एक तार ये है, अब ये दोनों जुड़ी नहीं हुई है, एक उसके ऊपर से ही निकल रही है, ठीक है। अगर जुड़ी हुई है तो ऐसे बनाओगे आप, देखो ऐसे डॉट लगा दोगे उसके ऊपर, मतलब कि ये हमने जोड़ रखी है। अगर ये उस तरीके से ऊपर से टपा दोगे, इसका मतलब क्या है, तुमने इसको जोड़ नहीं रखा, सिर्फ ये आपस में एक दूसरे को टच कर रही है, ओके। ये है तुम्हारा 6th सिंबल। अब हम अगला सिंबल करते हैं। अगला सिंबल अगर तुमने बनाना हो, जैसे कोई भी, अब मान लो अपने तुमने सर्किट बनाया, कोई बैटरी लगाई है, तो तुम किसी ना किसी में तो उसको यूज कर रहे होगे ना करंट में, तो करंट को यूज करने के लिए हम मानते हैं कौन सा हमारे पास डिवाइस है, बल्ब। तो बल्ब को सर्किट में कैसे बनाना है, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था इस तरीके से। ये क्या है आपके, बल्ब का सिंबल, ओके। अब नेक्स्ट सिंबल होता है, अगर आपने बनाना है एमीटर और अगर आपने बनाना है वोल्ट मीटर। ये दोनों चीजें क्या थी, एमीटर तो कौन सा होता था, जो करंट को मेजर करता था, ठीक है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, उसी के नाम से आया एमीटर। और अगला डिवाइस क्या है, वोल्ट मीटर। ये किसके काम में आता था, ये वोल्टेज मापने के नाम काम में आता था। अब इनका सिंबल बिल्कुल सिंपल सा है, एक एमीटर बनाना है तो एक सर्कल बनाओ, उसके अंदर क्या लिख दो, ए, दोनों तरफ से तारे निकाल दो, वायर्स निकाल दो। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि एमीटर का भी क्या होता है, एक तो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। वैसे वोल्ट मीटर का सिंबल भी सिंपल सा है, सर्कल बनाओ, वी बनाओ, एक तार यहां से निकली, एक तार यहां से निकली, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक भी नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये क्या सिंबल बन गए, एमीटर के एक सिंबल बन गया वोल्ट मीटर का। अब तुम्हारे पास दो और सिंबल बचते हैं, वो बचता है रेजिस्टेंस का और रियोस्टैट का। पर अभी तुम्हें ये नहीं पता ना कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रियोस्टैट क्या होता है, तो हम अभी उस सिंबल को नहीं करेंगे। पहले हम एक टॉपिक करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होती है और रियोस्टैट क्या होता है, फिर हम वो काम करेंगे। बस आज अब तक हम इतने सिंबल ही करेंगे। अब मैं आपको एक सिंपल सा सर्किट बना के दिखा देती हूँ। मान लो जैसे ये बैटरी लग गई, यहाँ पे तुमने क्या लगा दी, की लगा दी,
एक तुम क्या लगा दो, मान लो बल्ब लगा दो अपना यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे इसको जोड़ दो, ये क्या लग गई बैटरी, ये क्या लग गई की, मान लो उसको क्लोज करना है क्योंकि हमने बल्ब को ग्लो करवाना है। अब इसमें तुम वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो, वो कैसे, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दो। अब ये तारे तुमने जोड़ी हुई है ना, तो यहाँ पे ऐसे डॉट लगा दोगे, दो अलग अलग तारे है ना, इसका यहाँ पॉजिटिव इसका यहाँ नेगेटिव। अब तुम क्या लगा सकते हो इसमें, अमीटर भी लगा सकते हो अगर तुम्हें करंट को मेजर करना है, तो अमीटर क्या सर्किट के बीच में लगता है, तो तुम क्या करो इस तरीके से एक अमीटर लगा दो और ये इस तार को यहाँ से ऐसे जोड़ दो, ठीक है, यहाँ इसका पॉजिटिव ये नेगेटिव, बन गया एक सिंपल सा सर्किट। इसमें क्या लग गई, बैटरी भी लग गई, बल्ब भी लग गया, की भी लग गई, हमने वायर जॉइंट भी बना दिए, वोल्ट मीटर भी लगा दिया, मीटर भी लगा दिया। इस तरीके से तुम्हारे पास कोई भी सर्किट डायग्राम आ सकता है बनाने के लिए, और तुम्हें उसको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे।